कोलकाता में डॉक्टर की रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय ने जुर्म अपना कबूल कर लिया, लेकिन इतनी हिंसात्मक वारदात के पीछे वजह क्या थी, उसने ऐसा क्यों किया, ये अब उसकी दिमागी हालत के जरिए पता किया जाएगा, जिसके लिए आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, यानी दिमागी हालत का टेस्ट होगा। इस टेस्ट के जरिए संजय रॉय की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी। आरोपी के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए दिल्ली से CFSL की टीम कोलकाता भी पहुंच चुकी है। कोलकाता में रेप और मर्डर के इस मामले से जुड़ी हर एक छोटे छोटे सबूत की CBI जांच कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिली कि CBI के हाथ अब मृतक की डॉक्टर की डायरी लगी, जो महिला डॉक्टर के शव के पास से मिली। ये डायरी CBI को कोलकाता पुलिस से सौंपी है, जिसके कई पन्ने पटे हुए हैं। पुलिस ने डायरी के पटे पन्ने भी CBI को सौंप दिए हैं।